गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी। कल हमने वाइल्ड एनिमल्स किए थे, आज हम करेंगे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स। पहला है सीडी। देखिए, पढ़ तो सभी लेते हैं, बुक से भी पढ़ लोगे आप, लेकिन स्पेलिंग्स लर्न करना बहुत कठिन है, तो यहाँ मैं आपको स्पेलिंग्स लर्न करवाऊंगी। ओके, तो सीडी ये तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि छोटी है, इसकी फुल फॉर्म भी होती है, लेकिन फुल फॉर्म में आपको बाद में करवाऊंगी, आप अभी ऐसे ही लर्न कर लीजिए सीडी। दूसरा है सीपीयू। तीसरा यूपीएस, सभी कर लेंगे आराम से, छोटी छोटी हैं ये तो, यूपीएस। अब थोड़ी सी कठिन होंगी मीनिंग, जो कि मैं ठीक से करवाऊंगी आपको। देखो एमओ में यूज की स्पेलिंग आप जोड़ दोगे, यूएसई, एम ओ यूएसई, क्या बना माउस, क्या बना माउस, एम ओ यूएसई माउस। आपने देखा है माउस को रेट भी बोलते हैं, रेट की तरह होता है कुछ। एम ओ, देखो यहाँ एम ओ में यूज की स्पेलिंग जोड़ी थी हमने, यूएसई, लेकिन अब एम ओ में हम क्या जोड़ रहे हैं, एन आई टी ओ आर, एम ओ एन आई टी ओ आर, एम ओ एन आई टी ओ आर, क्या बना मॉनिटर। मॉनिटर टीवी की तरह होता है, ठीक है, देखने में टीवी की तरह लगता है मॉनिटर। एफ एल ओ डबल पी बाई, एफ एल ओ डबल पी बाई, मेरे साथ बोलो फिर से, एफ एल ओ डबल पी बाई फ्लॉपी, एफ एल ओ डबल पी बाई फ्लॉपी। अगला देखो, एम ओ में हमने क्या जोड़ा था, यूज की स्पेलिंग जोड़ी थी, यहाँ एम ओ में हमने क्या जोड़ा, एन आई टी ओ आर, यहाँ एम ओ में हम जोड़ेंगे डी ई एम, एम ओ डी ई एम मॉडेम, एम ओ डी ई एम मॉडेम। अगला है पी आर आई एन टी ई आर, पी आर आई एन टी ई आर प्रिंटर, मेरे साथ फिर से बोलो, पी आर आई एन टी ई आर प्रिंटर। कीबोर्ड को कैसे करेंगे, देखो पहले की करिएगा आप, की के ई बाई की कैसी होती है, देखो इस टाइप से की होती है, आपने सबने देखी है की, इस टाइप से होती है की, अलमारी की चाबी ताला लगा के जाती है मम्मी, तब देखी होगी आपने की। और बोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड कैसा होता है, इस टाइप से रेक्टेंगल टाइप का होता है जिस पर पढ़ा सकते हैं, ये बोर्ड हो गया, बी ओ ए आई डी बोर्ड। और जब की को और बोर्ड को दोनों को मिलाया तो क्या बना, कीबोर्ड बन गया, कीबोर्ड जिस पर टाइप करते हैं वही होता है कीबोर्ड। ओके, टुकड़ों मीनिंग को आप टुकड़ों में बांट बांट के कीजिए तो आपको जल्दी लर्न हो जाएंगी। ओके, तो कीबोर्ड की कितनी आसान थी, के ई बाई की बी ओ ए आई डी बोर्ड, दोनों को मिलाया तो क्या बना कीबोर्ड। अब एस पी ई ए के स्पीक, स्पीक एस पी ई ए के स्पीक, और उसमें क्या जोड़ना है स्पीक में, ई आर जोड़ना है स्पीक में, एस पी ई ए के स्पीक, और क्या जोड़ना है स्पीक में, ई आर जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा स्पीकर, एस पी ई ए के ई आर स्पीकर। आया समझ, और लर्न भी हो गया होगा। अगर आपको कोई मीनिंग इसमें नहीं याद हो रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से उसको लर्न करवा दूंगी, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर किया करो।